सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन मॉडल चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी रेडमी का फ़ोन है तो आप उसको नॉच फीचर से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है वो रेडमी का है और इसका जो नॉच है वो पंच होल डिस्प्ले, यहाँ पे आप देख सकते हो पंच होल डिस्प्ले। सो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप आपके नॉच को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी पंच होल है तो अभी ये तो नॉच हाइड है ना, तो आप इसे वापस से ला सकते हो, इस नॉच को डबल से ला सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। सो ये ट्रिक बताने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर सकते हो, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब में पहले तो आपको आपके Redmi के फ़ोन के अंदर चले जाना है उसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में सर्च करना है हाइड नॉच। सो यहाँ पे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ एंड सर्च करने के बाद आपको ये सेटिंग फर्स्ट नंबर पे मिल जाएंगी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री ऑप्शन रहेंगे आपके सामने और उसमें से एक ऑलरेडी सिलेक्ट होगा जो कि अभी मेरे फ़ोन के अंदर इनेबल है। एंड सेकेंड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो नॉच हाइट था वो आ चुका है एंड आपके जो बैटरी इंडिकेटर या फिर सारे नोटिफिकेशन के जितने भी आपको आइकॉन दिख जाएंगे वो उसके ऊपर होंगे। एंड अगर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके बैटरी आइकॉन या फिर जितने भी नोटिफिकेशन के आइकॉन रहेंगे सब नीचे आ जाएंगे एंड नॉच ऊपर रह जाएगा। सो ये थी आपके Redmi के फ़ोन के अंदर ही सेटिंग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।